यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस, उनका ये मानना है कि भाईचारे के साथ जो है हम यहाँ रहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि है, यहाँ हमेशा ही बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल जो है धर्म की दृष्टि से हमेशा रहा है, तो इस माहौल को वो खराब करना चाहते हैं नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो है, यानी अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि आए हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी आइडिया उन्हें नहीं था जी, शांतिपूर्ण तरीके से जो विवाद है इसका समाधान हो सके, इस पर कम से कम राजनीति ना की जाए। लेकिन उसी वजह से जो लोग हैं, जो दल हैं, वो राज्य सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका इस अपडेट के लिए। हमारी सहयोगी बता रही थी यहाँ पर हिमाचल के शिमला का हाल। और अब बात करते हैं सरकार के एक अहम फैसले की। जी हाँ, मोदी सरकार ने बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है, जो बीजेपी के संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु था। नए फैसले के तहत अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इससे आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अब बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी मिलेगा और परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉपअप कवर के पात्र होंगे। CGHS, ECHS और CPF के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और SIC सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो जो कहा वो करके दिखाया। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस बात का संकल्प लिया गया था संकल्प पत्र में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो नया फैसला लिया है उससे लोगों में बेहद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इस योजना को लेकर तेलंगाना के लोगों का कहना है कि ये उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आयुष्मान भारत के तहत 70 साल के एवो लोगों के लिए जो स्कीम इंट्रोड्यूस किए है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं जैसा कि न्यूज़ में और पेपरों में पढ़ा हूँ उस हिसाब से ये स्कीम उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास कोई इनकम नहीं है। उम्र तो है मगर इनकम कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ बताना उनके लिए उतने पैसे नहीं रहते। वैसा हमारी सीनियर सिटीज़न का ग्रुप एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जो इस स्कीम से बहुत अच्छे से फायदे होंगे। दिस आयुष्मान भारत इंश्योरेंस इज वेरी मच हेल्पफुल टू द सीनियर सिटीजन्स हु हैव क्रॉस्ड 70 ईयर्स, एस्पेशली दिस पीपल वर्किंग इन शॉप्स एंड अदर फैक्ट्रीज हैविंग मिनिमम इनकम एंड द चिल्ड्रन आर आल्सो नॉट एबल टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली to look after their health. Under the circumstances, this type of facility given by the central government to the senior citizens is very much appreciated and senior citizens are indebted to the central government. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत का ऐलान किया है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हॉस्पिटल जाने को लोग डरते थे, हम भी एक 71 ईयर है, अल्ले वहाँ जाएंगे तो कितना बिल लूंगा, क्या करेंगे, हमारा बच्चा वहन करेंगे नहीं करेंगे, डर था। अभी ये डर हमारे को खत्म हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार। और इसका लाभ मिलेगा और सब जनमानस इसके लिए बहुत खुश है। इसके पहले कई सरकारें आई लेकिन किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो जनता गरीब के लिए हितकारी हो। ये गरीब के लिए बहुत हितकारी है। अभी ये आयुष्मान भारत पूरे वर्ष में लागू होगा, कोई आदमी कहीं पर भी जाके इलाज करवा सकेगा। तो देखिए कितनी बड़ी परेशानी होती थी वरिष्ठ नागरिकों को और वो अब इस फैसले के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ के उन लाखों बुजुर्गों की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जो आयुष्मान के इलाज के ऊपर काफ़ी हद तक टिका हुआ है, देश के टॉप 5 राज्यों में से
ये छत्तीसगढ़ आता है जिनमें आयुष्मान का ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दें, इस पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, साथ ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे नितिन सिंह। फिलहाल डॉक्टर वीके पॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं स्वास्थ्य आयोग के। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत स्वागत आपका ईडी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके की एक हम कह सकते हैं अच्छी पहल ये सरकार ने जो अहम फैसला लिया है और जो कहा था वो करके भी दिखाया है, और उसी वजह से हमारे हमने अलग जगहों से देखा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। इस स्कीम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट करी थी, उन्होंने कहा था कि स्कीम को लेके आएंगे, और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच यह है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, 70 और उसके ऊपर के बुज़ुर्ग खासकर, उनके स्वास्थ्य की ज़रूरतें बड़ी होती हैं, और जो उनको एक्सेस मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की ज़रूरत के मुताबिक, उसमें कठिनाई आती है और पैसे की कठिनाई आ जाती है कि रिसोर्स नहीं होता, तो उसको पूरा करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक बहुत बड़ा विस्तार अब कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और इस विस्तार के अंतर्गत, जैसे कि आपने अच्छी तरह से समझाया, 70 और उससे ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सारे के सारे, हर एक बुज़ुर्ग, इनकम की कोई बात नहीं है, पुराने कोई उसमें शामिल थे आज तक पीएमजे में या नहीं, आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है या नहीं, सभी को इसमें अब इसका समावेश कर दिया गया है, सबको इंक्लूड कर लिया गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर पाल, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें उत्साह इस बात को लेकर है कि कब से इस योजना का जो लाभ है उनको मिल सकेगा, यानी कब से लागू हो जाएगा उन पर? बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को ज़मीन पे उतारा जाएगा, इसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है जी। और स्पेशल कार्ड दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मैं इसके जो मेन बिंदु हैं इस स्कीम के, वो थोड़े चिन्हित कर दूँ। सबसे पहली बात है कि 70 और उसके ऊपर के वृद्ध बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, उनको 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा जी। ये स्वास्थ्य लाभ है जिनको कि अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है जी। ये कहाँ दाखिल हो सकते हैं? जो हमारा पीएमजे का इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, लगभग 30,000, उसमें 13,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जी, और 17,000 के करीब जो हैं वो सरकारी अस्पताल हैं, तो उनमें कहीं भी इनको स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडमिशन होगी। और हमारे पैकेजेस यहाँ 1920 से भी ज़्यादा पैकेजेस हैं जी, और मेन के लिए भी हैं और विमेन के लिए भी हैं, स्त्रियों के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं, तो ये सारे खुल जाएंगे जी। जो व्यक्ति पहले पीएमजे में ऑलरेडी थे, वहाँ उनको, उस परिवारों को 5 लाख का कवर हम प्रदान हो रहा था सरकार की तरफ से जी, अब उनको 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर, और अगर वहाँ पे बुज़ुर्ग है 70 से ऊपर का जी, तो उनको 5 लाख रुपए और कवर होगा, जो कि एक टॉपअप है जी, जो कि उनको बाकी परिवार के साथ अब शेयर नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए उसी परिवार में 2 वृद्ध हैं 70 से ऊपर, हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए ये 5 लाख दोनों के लिए होगा। लेकिन ये 5 लाख जो वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बाकी फैमिली के साथ अब उनको शेयर करने की ज़रूरत है, बाकी फैमिली के पास अपना 5 लाख का कवर जो है वो मौजूद रहेगा। ये तो एक जी। डॉक्टर पाल, कुछ और भी आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जो है नितेंद्र, उनका भी रुख कर लेता हूं। नितेंद्र, जिस तरीके से आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर पाल हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लागू इसको किया जाएगा और लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं अलग अलग अस्पतालों में जो तमाम लोग हैं वो कैसे इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और काफ़ी सरल अब हम मान सकते हैं जो इलाज कराना है, क्योंकि पहले तो लोगों को लगता था शायद सरकारी अस्पताल में किस तरह की सुविधा उनको मिल पाएगी या नहीं, या उनका नंबर आ पाएगा या नहीं, लेकिन अब काफ़ी कुछ जो बदलाव है वो नज़र आता है। देखिए मुकुल, मैं इस वक्त एम्स के आयुष्मान केंद्र में हूँ, और अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि वो दिखाएं इस यहाँ के जो सेंटर है, और यहाँ पर अगर कोई आयुष्मान भारत का लाभार्थी है, सबसे पहले यहाँ आता है, अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो वो अगर दिखाता है, तो ये कियोस्क है
और यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर वो चेक करते हैं, अगर उसमें उनका नाम होता है तो तुरंत कार्ड बना देते हैं। साथ ही साथ ये जो भी आप डेस्क देख रहे होंगे, अलग अलग ये डेस्क है, और अगर कोई मरीज है जिसको भर्ती करने की जरूरत है, डॉक्टर देख रहे हैं, देखने के बाद कह रहे हैं कि उनको भर्ती होने की जरूरत है, तो वहाँ पर ये मदद की जाती है ये डेस्क के माध्यम से। स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है, एक एक करके लोग आ रहे हैं और इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और ये एम्स के अलावा जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा कि 30,000 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जो भी इम्पेलेंट अस्पताल है वहां पर ये आयुष्मान हेल्प डेस्क बना हुआ है, और जो भी लाभार्थी है वहां जाकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जहां तक 70 साल और उससे अधिक की बात है, हम जानते हैं कि बुजुर्गों की सेहत का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार पे। कई बार देखा जाता है कि लोग टालते हैं, अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि जब सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी, तो हम 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे के तहत लाए गए। तो वो वादा प्रधानमंत्री ने पूरा किया, संकल्प से सिद्धि की ओर ले गए, और एक सामाजिक सुरक्षा का जो बड़ा दायरा है उसको बढ़ाया गया है। बहुत बड़ी पहल है ये, करीब करीब 6 करोड़ से अधिक लोग इसमें लाभान्वित होंगे, देश के 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में लाभ उठा सकेंगे। जैसा कि डॉक्टर पॉल सर ने कहा कि करीब करीब 1900 से ज्यादा पैकेजेज हैं, यानी बीमारी चाहे वो कैंसर की हो, हार्ट की हो, या फिर आपको हड्डियों की हो, या बुजुर्गों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें इसमें कवर होंगे। और सोचिए कि जो बुजुर्ग हैं उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है, यानी कि वो किसी परिवार के ऊपर निर्भर नहीं, अपने बेटे बेटियों पर निर्भर नहीं है, दादा दादी नाना नानी की जो सेहत का ख्याल अब सरकार रखेगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डॉक्टर पॉल अगर देखा जाए सरकार का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो एक तरीके से आत्मनिर्भरता जो है वो बुजुर्गों को भी देने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता अभी नितिन भी बता रहे थे, आप उन्हें निर्भर नहीं रहना होगा, लेकिन इसके लिए क्या उनका भी जो नाम है किसी सूची में आएगा, उनको खुद से आवेदन करना होगा, इसकी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक लोक कल्याण का बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, अकेले भी होते हैं, बीमारी एक से अधिक भी होती है, और फैमिली अपना कई बारी सपोर्ट करने में चाहते हुए भी नहीं कर पाती उतनी सेवा जो कर पाएंगे। तो लोक कल्याण की नज़र से देखें तो सबसे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने समाज में अपना अपना योगदान दिया, सारी उम्र देश की सेवा, समाज की सेवा, अपना काम किया, परिवारों को नर्चर किया, उनके लिए ये लोक कल्याण का बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। मैं जैसे आपने बात करी है कि ये किस तरह से इसको कार्यान्वयन होगा, बहुत सिंपल होगा, इनके लिए स्पेशल कार्ड बन जाएंगे, और फिर उस कार्ड के द्वारा जैसे कि बाकी पीएमजे की स्कीम में हम कार्ड लेकर जाते हैं और कार्ड को दिखा के हमारा इलाज हो जाता है, वो कैशलेस होता है, कोई पैसा नहीं देना होता, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, सेवा होती है। लेकिन एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी, कि इस बारी जो बहुत बड़ी बात है जो कि सामने आती है कि हम जो वंचित और वल्नरेबल सिर्फ थे आज तक पीएमजे में ले रहे थे, उन्हीं पे सीमित नहीं है ये, अब सबके लिए है। आप ये देखिए इसका आयाम कितना है कि इनकम कुछ भी हो, मैं जितना गरीब अमीर, अब सबके सब कवर हो जाएंगे। पीएमजे में जो कवर हो रहे थे वो हमारे 40% नीचे वाला तबका था, अब सबके सब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच, सबके लिए एक ये रास्ता खुल गया है। और उन फैमिलीज में 70 से और 70 के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको 5 लाख का कवर है। उस परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो भी ये 5 लाख है उनके दोनों के लिए, उन्होंने किसी और के साथ इसको शेयर नहीं करना है। जो व्यक्ति प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले चुके हैं, मध्यम वर्ग के परिवार हैं या उसके बेहतर ऊपर वाले भी परिवार हैं, तो भी उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। ESI भी आप ले रहे हो उसमें कवर हो रहा आपके लिए होगा, लेकिन जिनको सरकारी पेंशन मिल रही है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी से, जो आर्म फोर्सेस से जो रिटायर हो रखे हैं, CGHS के लाभार्थी हैं, सरकारी पेंशन वगैरह वाले जो लाभार्थी हैं, उनको फैसला करना होगा कि आपने PMJ में आना है और ये लाभ लेना है 5 लाख का, या कि आपने वहीं रह के उसी स्कीम में उसका फ़ायदा लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 30,000 अस्पतालों का नेटवर्क जो PMJ का है, उसमें हर वृद्ध को 70 और 70 से ऊपर के हर वृद्ध को हॉस्पिटलाइजेशन, अगर दाखिल होकर इलाज करने की ज़रूरत है तो आज वो गारंटी को पूरा करने के लिए फैसला हो गया, उसकी रूपरेखा बन गई, और बहुत जल्द इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन होगी।
जी, यानी डॉक्टर पॉल, हम कह सकते हैं कि इलाज की जो गारंटी है वो सरकार ने लगभग पूरी कर दी है, लेकिन इसके तहत क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी इस तरह की योजना स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, और करीब इसमें हम बात करें तो 4.5 करोड़ परिवार जो हैं जिनको बड़ा लाभ इसके ज़रिए मिलेगा, क्या इसमें आगे जो एक सीमा रखी गई है इलाज की, उसमें भी किसी तरह के बदलाव हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं? सीमा तय हो गई है, अब कैबिनेट डिसीजन ने कहा है कि सीमा जो है वो 5 लाख है जी, और पीएमजे के पैकेजेस हैं उसमें बुजुर्गों की बीमारियों के सारे ही पैकेज पहले ही समाहित हैं जी, क्योंकि पहले भी तो ये सेवाएं दे रहे थे जो अभी तक के लाभार्थी हैं, तो वो तय हो गया है। अब तो जो लाभार्थी हैं और सारे देश के ही बुजुर्ग आज लाभार्थी बन गए हैं, उनके लिए ये रास्ता और सशक्त हो गया है जी, जो नए आएंगे जो आज तक स्कीम में नहीं थे उनके लिए रास्ता खुल गया है, और लोक, मैं तो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, लोक कल्याण की दृष्टि से जी, जो सबसे वल्नरेबल हमारी एक एज ग्रुप होता है और हमारे लिए स्पेशल हैं, उन्होंने देश की सेवा समाज की सेवा की हुई है जी, उनकी एक देश की एक बहुत एक ट्रिब्यूट है, उनकी तरफ एक हमारा समर्पण है उनकी इस स्कीम के द्वारा, और स्वास्थ्य का लाभ होना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और हम ये जानते हैं जो स्टडीज़ हैं कि बहुत सारे ही व्यक्तियों को, आधे से ज़्यादा लोगों को एक से ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। अब ये रास्ता जो खुला है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और आगे देश में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पूरी की बात करी जाती है, एक यू नो इंक्लूसिव ईज ऑफ लिविंग की बात करी जाती है जी, उसमें एक बहुत बड़ी डायमेंशन अब जुड़ गई है जी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ भारत को भी सार्थक करता हुआ नजर आएगा ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। फिलहाल डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए, साथ ही नितिन आपका भी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से लोक कल्याण की बात की जाए, गरीबों के कल्याण की बात की जाए, या कैसे जब हम बात करते हैं नए भारत की तो उसको कैसे हम स्वस्थ भारत में तब्दील करेंगे, इस नज़रिए से ये फैसला काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए जो देश के वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी आत्मनिर्भर होते हुए नजर आएंगे, अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH। काट, सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो।